अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक के सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियां की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उमदा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। नमस्कार, मैं नश्री न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस वक्त हम मौजूद है चेस निंजा चेस एकेडमी बातू बस्ती पोर्टलर में, जहाँ के एक स्टूडेंट है जिनका नाम है श्रीहम कर्माकर, जो कि अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि उन्होंने जो है यंगेस्ट ACM टाइटल के वो होल्डर है, जो उन्हें 25 दिसंबर 2023 को मिला था। तो उसी के उपलक्ष्य पर हम यहाँ आए। जैसे कि हम हर वक्त कहते हैं कि आजकल की दुनिया में बच्चे जो है मोबाइल गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ड्रग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, नेगेटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, रश राइडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। चेस खेलना बिल्कुल आसान खेल नहीं है, इसे बहुत ज्यादा दिमाग से पेशेंस होना चाहिए वो इंसान के साथ जो वो चेस, जब वो इंसान चेस खेलता है। तो इतनी कम उम्र में जब वो बच्चा इतना टाइटल हासिल कर रहा है, तो आगे हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इससे भी बड़े बड़े चैंपियनशिप में जाए और हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम रोशन करे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्रीहम कर्माकर से। हेलो पिता। हेलो, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछूं कि अभी जब आप गए थे खेलने के लिए, ऑनलाइन हुआ था ना आपका गेम, ये जो आपने टाइटल हासिल किया है ACM वाला? हाँ, ये ऑनलाइन फील्ड एरिना में हुआ। हाँ, तो कैसा लगा आपको खेलकर? मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कितनी साल की उम्र से आप चेस खेल रहे हो? मैं 5.5 ईयर्स की उम्र से खेल रहा हूँ। तो अभी आपको टोटल कितने साल हो गए खेलते खेलते? 3.5। 3.5। आपका इंटरेस्ट कैसे चेस की तरफ गया आपको, मतलब कैसे दिल किया? क्योंकि बाकी बच्चे जो है क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे तरह के गेम्स खेलते हैं ना, आउटडोर गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आपको कैसे लगा कि आपको ये खेल में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है? मैं जब छोटा था लॉकडाउन में, तब कोई काम नहीं था और मुझे छोटे समय से ही बहुत पसंद था चेस, तो मैं खेलता था। फिर वो मम्मी ने मुझे सिखाया था कैसे पीसेस को मूव करते हैं। तो आपकी शुरुआत, जो आपने चेस खेलना शुरू किया, तो आपकी शुरुआत आपकी मम्मी से हुई है, आपकी मम्मी ने सिखाया है? हाँ, मतलब मम्मी ने बस पीसेस को कैसे मूव करते हैं वो सिखाया है। उसके बाद मैंने पिकअप किया थोड़े दिन में। फिर एक दिन मम्मी नाइट ड्यूटी से आई थी, तो उसके बाद मैं जब उठा तो मम्मी ने बोला तुम्हें चेस में अगर इंटरेस्ट है तो आज एक कोच की खबर आई है न्यूज़पेपर में। तो मैंने बोला हाँ मुझे है। तो मम्मी ने बोला मेरे फर्स्ट कोच जो थे वो जॉन कोटेश्वर राव सर थे, तो उनकी खबर न्यूज़पेपर में आई थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं करूँगा चेस। तो आपको क्या लगता है, आप अभी जैसे नेशनल लेवल में खेल रहे हो, क्या आपको उम्मीद है कि आप इंटरनेशनल लेवल तक जाओगे? हाँ बिल्कुल, हमें भी पूरी उम्मीद है आपसे कि आप हमारे अंडमान एंड निकोबार का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल में जाके रोशन करोगे। तो अभी आपको, अभी प्रेजेंट आपको चेस कौन सिखा रहा है? मुझे अभी MP के कोच सार्थक सिंह परिहार सर सिखा रहे हैं। ओके,
तो आप क्या करना चाहेंगे कि अगर आपको चेस में इंटरेस्ट आया है, जो आप जीते हैं, तो उसका पूरा क्रेडिट आप किसे देना चाहोगे? खुद को, अपने पेरेंट्स को, कोच को, किसे देना चाहोगे? मैं अपने पेरेंट्स को और कोच को देना चाहूँगा। बिल्कुल, आपको खुद को भी अपना क्रेडिट देना चाहिए। अगर उन्होंने सिखाया है तो आपने भी एक इनिशिएटिव लिया है ना कि मैं खेलूंगा जाकर, तभी तो ना आज आप इस मुकाम पे हो। तो बेटा, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे आपने अभी ये ऑनलाइन खेला है, तो इससे पहले कभी आपने कहीं बाहर जाकर या फिर और कोई चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है? हाँ, मैं गया हूँ। मेरा फर्स्ट चैंपियनशिप था उड़ीसा नेशनल्स, वहाँ पर मैं 4.5 points out of 9 स्कोर किया था। वहाँ पर मेरा रैंक ओपन में आया था 93rd। 93rd रैंक आया था, तो वो आपको कितने लोगों के बीच में आपने 93rd रैंक लिया था? 400। अच्छा, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है कि 400 लोगों के बीच में जब आप इस उम्र में 93 रैंक ले रहे हो, तो आगे चलकर हम उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ से फर्स्ट रैंक भी जरूर लोगे। और कोई है जो बताने? मैं सेकंड खेला था चेन्नई में, जहाँ पर मैंने स्कोर किया 5 points out of 9 और वहाँ पर मैं आया था 9th। और थर्ड मैं खेला था कोलकाता में, जो जहाँ पर मैं 5 points स्कोर किया था 8 of 9, वहाँ पर मेरा पोजीशन था 7th अपने कैटेगरी में। ओके। मेरा 4th टूर्नामेंट था इंदौर में, जहाँ पर मैंने 5 स्कोर किए 8 of 9। वहाँ पर मेरा रैंक एक्चुअली नहीं आया था, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने 5th खेला कर्नाटका में, जहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, तो वहाँ पर नेक्स्ट टूर्नामेंट, सेकंड टूर्नामेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर मैंने लिए 5.5 out of 9 और वहाँ पर मेरा रैंक नहीं आया था। उसके बाद मैंने अभी लास्ट रिसेंट खेला नेशनल अंडर 9, जो झारखंड में था, तो मैं वहां पर आया, मेरा 64th रैंक। ओके, और 64th रैंक आया ओपन में, और मेरी मैंने स्कोर किया 6.5 out of 11। अंडमान में फेडरेटेड खेला था, वहां पर मेरा स्कोर 5.5 out of 9 आया था, तो वहाँ पर मेरा रैंक आया था ओपन में 17। हम यही उम्मीद करेंगे आपसे कि आप जैसे अभी खेल रहे हो उससे भी और अच्छा खेलें और आगे अपना नाम और अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम खूब रोशन करें। थैंक यू। थैंक यू। जो श्रीहम कर्मा करके फादर है और ये जो चेस निंजा चेस के हेड है, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि उनके स्टूडेंट और उनके बेटे जिन्होंने ये टाइटल हासिल किया है, तो उसके बारे में हमारे दर्शक को क्या बताना चाहेंगे। हेलो सर। नमस्कार मैम जी, मेरा नाम स्वपन कर्माकर है और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे बेटे श्रीहान कर्माकर ने अभी फिडे ऑनलाइन एरिना में ACM टाइटल हासिल किया है और ऐसा करने वाला वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में यंगेस्ट प्लेयर, चेस प्लेयर है। तो हमें काफ़ी खुशी है कि वो चेस में इम्प्रूवमेंट कर रहा है और काफ़ी मेहनत कर रहा है। अल्टीमेटली उसका जो एम है वो ग्रैंड मास्टर बनना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके लिए वो तैयारी कर रहा है और जैसा कि उसने बताया, कुछ नेशनल अभी उसने खेला हुआ है रिसेंटली और उसने बाहर भी कुछ टूर्नामेंट्स खेले हैं, तो मतलब प्राउड तो फील होता है और हम बस यही उसको एनकरेज करते हैं कि आप मेहनत करो और पढ़ाई के साथ साथ इसको भी एज ए कैरियर आप देख सकते हो। हमारा काम है, पेरेंट्स का काम बेसिकली एनकरेज करना ही होता है और जहाँ पे लेके जा सकते हैं टूर्नामेंट्स के लिए वो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी टूर्नामेंट्स हो साल में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स में लेके जाएँ। तो सर, आप हमारे कुछ जो अभी के यूथ है उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
मैम यूथ को मैं खास करके जो छोटे बच्चे हैं और जो भी बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं वो मींस किसी स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्टेड है तो उस स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर भी बना सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं मतलब हमारे टाइम पे अगर हम देखें आज से 15-20 साल पहले तो स्पोर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे लोग और सिर्फ स्टडीज़ में ही बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता था। और आज के डेट में भी मतलब इवन मॉडर्न टाइम्स में भी अब 21st सेंचुरी में भी ऐसा है कि बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ में ही फोकस करते हैं। अगर बच्चा अच्छा स्टडीज़ में अच्छा नहीं भी है या कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो अच्छा कर रहा है तो भी वो फोर्सफुली जो है स्टडीज़ में ही उनको लगाने की कोशिश करते हैं। मैं यूथ और पेरेंट्स दोनों से मतलब ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और होप करता हूँ कि वो लोग बच्चे को किसी भी स्पोर्ट्स में पढ़ाई के साथ साथ जिस भी स्पोर्ट्स में बच्चा इंटरेस्टेड है या जिस भी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड है उसमें बच्चों को एंगेज करे और उसमें एनकरेज करे मेहनत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और यूथ स्पेशली दूसरे अनप्रोडक्टिव वर्क से ज़्यादा चेस या और कोई इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स या फिर दूसरे एक्टिविटीज़ में भी वो इन्वॉल्व होकर के अपना टाइम वहाँ स्पेंड कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं बजाय कि दूसरे गलत कामों में पड़ने के। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप सभी ने देखा आजकल ये जो कहावत है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे आओगे खराब, ये हमें काफ़ी हद तक उल्टी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आजकल जो हमारे जो जनरेशन के बच्चे हैं वो खेल कूद में भी अपना ध्यान बहुत ज़्यादा केंद्रित कर रहे हैं। एक दौर वो था जब खेल को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था और एक दौर आज है जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि खेलो इंडिया। और खेलो इंडिया के तहत आपने देखा होगा कि काफ़ी बच्चे जो है वो अपने टैलेंट के साथ उभर कर सामने आ रहे हैं। आप हमारे चैनल में भी अक्सर देखते होंगे कि अंडमान निकोबार से काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने अपना काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे काफ़ी नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल्स पे अपना नाम कमाया है। भले ही वो अतीकुर रहमान हो या जैसे कि आज हम मिल रहे हैं श्री हम कर्मकर से। तो इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी इसी तरह और भी चैम्पियन से मिलते रहे जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड का नाम रोशन करते रहे। आज यंगेस्ट एशियन टाइटल होल्डर है श्री हम, वैसे ही आगे ये और भी ज़्यादा आगे बढ़े और उम्मीद करेंगे कि अंडमान निकोबार का नाम इसी तरह रोशन करते रहे। और तो हर हम उम्मीद करेंगे वो पेरेंट्स से जो आज भी अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो ये सोचते हैं कि पढ़ने से ही बच्चा अपना करियर बना सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं। आज भी हमारे देश में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपना नाम काफ़ी ऊँचा बना चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी, क्या उन्होंने अपना नाम नहीं बनाया? आज कौन नहीं है जो उन्हें नहीं जानता। वैसे ही आगे चलकर हम उम्मीद करेंगे कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के बच्चों को भी सब इसी तरह पहचाने। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नश्री, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।